ज्ञानार्जन, सेवा और ध्यान तीनों में समरूपता होनी चाहिए। हम ज्ञान की खोज नहीं करेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। राज्य की चितवनी नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में प्रेम नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा तो ज्ञान भी नहीं आएगा, और सेवा नहीं करेंगे तो भी हमारा अहंकार नहीं जाएगा। सब लोग केवल ध्यान ही करें, कोई सेवा नहीं करें, तो ध्यान करने वाले का भोजन कौन बनाएगा? इसलिए सब में एक सामंजस्य बनाना चाहिए, कुछ समय सेवा के लिए, कुछ समय ध्यान के लिए, कुछ समय अध्ययन के लिए। सृष्टि में हर चीज़ में समरूपता दिखाई देती है। यदि हम प्रकृति के नियमों को भंग करेंगे तो समाज भी भटकाव का शिकार हो जाता है।